आप लोग? इस वक्त मैं हूँ जी ख्वाजा स्टूडियोज में अपने बड़े भाई और बहुत अच्छे दोस्त भाई साहब के साथ। भाई साहब ऑलवेज ब्लेसिंग थैंक यू वेरी मच और बहुत मजा आता है भाई साहब के साथ। अभी एक महफिल हमारी चल रही थी, गपशप चल रही थी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम भाई साहब के स्टूडियो आए और एक छोटी सी महफिल ना करें। अभी जरूर। थोड़ी देर पहले भी शहबाज साहब आए हुए थे, उनके साथ भी बड़ी अच्छी हमारी बैठक हुई। तो अभी ख्वाजा साहब के मैंने नए कुछ गाने सुने और मैं आपको बताता चलूँ कि इतने बॉम्बास्टिक किस्म के गाने आने वाले, यकीन करें कि आपको मजा आ जाना है। पाकिस्तान में इस लेवल का काम बहुत कम लोग कर रहे हैं और वी आर प्राउड के हमारे शहर से ख्वाजा साहब हैं जो इतना मेहनत करते हैं, इतना अच्छा काम करते हैं, क्वालिटी पे कभी इन्होंने कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और यकीनन ये मैं आपको ये दावे से कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत गाने हैं। थैंक यू। और अभी हम डिस्कशन कर ही रहे थे तो ख्वाजा साहब के गाना मुझे बहुत पसंद है और इसको मैंने कवर भी किया फिर, और इसका जल्दी मैं वीडियो भी करूँगा। मैंने ख्वाजा साहब से नहीं वादा नहीं किया बहुत हुआ है कि अच्छा, और मैं माशाल्लाह नान ने बहुत अच्छा गाया। देखिए हम भाई हैं, एक शहर के लोग हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, जरूर करेंगे। और गाने जो हैं वो गाने चाहिए, और अच्छे मैं अच्छे जब गाने। कोई ख्वाजा साहब के पास आया, मैंने ख्वाजा साहब ये गाना आपका मुझे बड़ा पसंद है। ख्वाजा साहब कहते हैं यार मेरे पास ट्रैक पड़ा है तुम इसको करो। मैंने कहा नहीं अभी बाद में, नहीं नहीं अभी करो। तो मुझे उसके लिरिक्स भी ठीक से याद नहीं थे, उन्होंने मुझे कॉम्पोजिशन थोड़ी समझाई है, फटाफट मैंने किया उसको। तो ये एक मोहब्बत है ख्वाजा साहब के साथ हमारी और ये डेडिकेट करूंगा मैं ख्वाजा साहब को, मुझे बड़ा थैंक यू। पसंद तूने है ये गाना। बहुत मजे का गाना और है जी, लिखा साजी अली साहब ने साजी और चोनी भाई और ने इसके चोनी लिए। भाई ने इसका म्यूजिक दिया है, बड़ा खूबसूरत गाना है। बार गम वाला चुके आ न जावे, बार गम वाला चुके आ न जावे, रब मेरा यार मोड़ दे, रब मेरा यार मोड़ दे, यादों दिया सुटिया न जावे, रब मेरा यार।
वेरी गुड, बहुत शाबाश डॉक्टर, सो मच, थैंक यू वेरी मच।